सैम पैत्रोदा के रंग भेद वाले बयान देने के बाद भाजपा की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें भाजपा के मंत्री और नेता लगातार सैम पैत्रोदा के विवादित बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके इस बयान के बाद से पैत्रोदा से देश से माफी मांगने की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी एक प्रेस वार्ता में सैम पैत्रोदा के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि नस्ली भेद के आधार पर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं और कहा कि क्या कांग्रेस इस पूरे मामले में सैम को आजीवन निष्कासन करेगी या नहीं। कांग्रेस के किसी हिडन एजेंडे को ही आगे लाने के लिए उनको बोलना होता है, टेस्टिंग करते हैं शायद कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है। इसी तरह से आज जो विषय जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सोचें आज के युग में इन्होंने फिर से वो बात याद दिला दी जब हमारे मुखिया, हमारे नेता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया था क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग अलग था। अभी सब भारतीय हैं, ये बात समझना पड़ेगा। अभी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 2047 के भारत की कल्पना कर रही है। हम इस कल्पना में हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे समूचे देश को ले जा करके विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर बिठाया जाए, कैसे सशक्त भारत बनकर सामने आए। और एक तरफ ये हैं जो अब भी वही नस्लीय भेद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, कहते हैं कि पूर्व के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के लोग ऐसे हैं, दक्षिण के लोग ऐसे हैं, उत्तर के लोग ऐसे हैं। ये नहीं दिखता इनको कि उत्तरम यत् समुद्रश्चित हिमादृश्चैव दक्षिणम, और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारत की संतति हैं, ये उनको नहीं दिखता है। मैं आज भी और आप सबके सामने भी और सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्व से भारत जुड़ा हुआ कितना है, महाभारत काल में भी वर्णन उस क्षेत्र का है हमारे पास। और हर विषय पर भाई, मतलब आज के युग में इस तरह की बात करना और उसके लिए किसी बात का तर्क देना, मैं सोचता हूं कि वह भी बेमानी है, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो कहा है उनको माफ़ी मांगना चाहिए। जो अभी स्वांग चल रहा है इस्तीफा देने का, निष्कासन का, निलंबन का, आजीवन निष्कासन कर सकती है कांग्रेस अगर उनका, तो बोले कांग्रेस आजीवन निष्कासन।